अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब सेहत से खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हैं। ये जो आगे आप देख रहे हैं ये है बल्लर की फली, यानी ये साउथ इंडिया की फेमस, यहाँ पे बेंगलोर में बहुत ही फेमस है ये, और एक काय के नाम से जाना जाता है। और ये इतना फेमस है, इसी के नाम से हमारे बेंगलोर का नाम पड़ा है, इसी के नाम से, लाइक इसे बेंदक आलू कहते थे, उसी से बेंगलोर बना। और ये सूखने के बाद भी यूज़ होता है, और देखिए ये कलर्स में भी अवेलेबल है। तो बहुत देर मेहनत के बाद बच्चे और मेरी बस ये निकले दाने, और ये देखिए उनमें से कुछ कौले यानी कच्चे दाने होते हैं, तो उनको मैंने अलग कर लिया है। इसमें कोई मज़ा उतना नहीं होता, तो सफ़ेद जो होते हैं उन्हीं में ज़्यादा मज़ा होता है, तो उनको मैंने चुन के इस तरह से अलग कर लिया था। और ये अब अभी इन वाइट दानों से मैं बनाऊंगी एक बहुत ही मज़े की बेहतरीन सी एक गोश्त की ग्रेवी। तो इस ग्रेवी को बनाने से पहले इसे एक और बार छीलना पड़ेगा, और उसके लिए इसको पहले भिगाना पड़ेगा। तो करीब 10-12 आवर्स जितना इसको भीगने से इसका जो आउटर लेयर होता है, स्किन होता है, थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है, और दाने छीलने में थोड़ा आसानी भी होती है। तो ये देखिए इस तरह से छीला जाता है, और इनके जो छिलके होते हैं वो वेस्ट जाते हैं, और जो अंदर से निकला हुआ सीड है वही यूज़ में आता है। इस तरह से एक बार आप अगर पील कर लेंगे तो इसको आप आराम से महीना या 2 महीने फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके भी खा सकते हैं, क्योंकि ये एक सीजनेबल वेजिटेबल है, और विंटर बीन भी कहा जाता है, विंटर्स में ही आते हैं, तो इसलिए स्टोर करके खाते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर ये अवेलेबल नहीं होता। और ये देखिए हम लोग, मैं और हस्बैंड चले गए थे मार्केट शावेस के कुछ ख़रीदने के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला था, और बर्थडे उसका इस बार वीकडेज में आने वाला था, और आज था संडे, तो सोचा आज ही क्यों ना कुछ लाके उसके लिए रख दिया जाए। तो ये बहुत सारे टॉयज़ तो अवेलेबल थे, बट मैंने उसको लिया बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला सेट, क्योंकि उससे कुछ वैरायटीज़ भी बन जाती हैं, और बच्चों का दिल कुछ नया नया क्रिएटिव बनाने में दिल लगा भी रहता है। तो टॉय ले लेने के बाद हम लोग ये क्लॉथ शॉप भी चले गए, कपड़ों की दुकान पे, और वहाँ से भी कुछ एक सेट ख़रीद के फिर वापस घर आए, क्योंकि वापस जाके मुझे पकाना भी था। तो ये देखिए वापस आ जाने के बाद मैंने शुरू कर दी है इस डिश के पकाने की तैयारी। तो सबसे पहले इन दानों के अंदर मैंने वाटर डाल के अच्छे से वॉश कर लिया है, और ये रहा इसका हरा मसाला, इसमें बस मैंने हरा धनिया और प्याज को डाल के पीस के रख लिया है साइड में। और इस ग्रेवी में मैं अंडे भी, उबले हुए अंडे भी डालने वाली थी, और ये देखिए मैंने किया ये कारनामा, गंजी को इस तरह से जो चावल के ऊपर के निकलता है पानी, उनको क्यों वेस्ट करना, इसी में अंडे को उबाल लिया जाए, तो सोच के मैंने अंडों को उबाला, बहुत ही सॉफ्ट अच्छे बने थे इसमें उबलने से। और यहाँ पे देखिए ये मैंने डाला ये कुकर के अंदर गोश्त, यहाँ पे ये गोश्त था मेरा 1 kg। तो ये देखिए डायरेक्ट मैंने मीट को कुकर के अंदर डाला, इसके ऊपर 1/2 teaspoon जितना टर्मरिक पाउडर, 1 tablespoon जितना सॉल्ट डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके पकने के लिए रखा। और ये देखिए इतने में मैंने इस कुकर को उठा के साइड में रख दिया है और चढ़ा दिया है दूध, क्योंकि पीछे से बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे कि उनको भूख लगी है, जल्दी खाना चाहिए, और इसको पकने में अभी 1-1.5 घंटा तो आराम से जाने वाला था। तो इसके लिए कुछ ब्रेड और बिस्किट्स पड़ी थी, मैंने निकाल लिया एक ट्रे के अंदर, और यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया कॉफ़ी। और इसके पहले जो आपने देखा इसमें जो मलाई जमी होती है, मैं हर बार निकाल के रखती हूँ एक कंटेनर के अंदर फ्रीज़र में, उसके वो भी बहुत सारी जम जाए, तो मैं बहुत सारे रेसिपीज़ बनाती हूँ, वो भी मैं एक दिन आपसे शेयर करूँगी।
तो ये देखिए नटला ब्रेड और कॉफी बिस्किट्स खाया जा रहा है अभी। जब भी कभी इस तरह से कॉफ़ी विद ब्रेड या बन खाती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग स्कूल निकलते थे तो पास ही में एक बेकरी थी, तो अम्मी क्या करती, हम मुझे और मेरी बहन को एक एक बन मंगा के देती और थोड़ी कॉफ़ी बना के देती, वो खा के हम लोग बच्चे स्कूल को निकल जाते। तो उस तरह से वो यादें अभी ताज़ा हो जाती है। तो खैर देखिए, अपनी पेट की आग बुझाने के बाद मैं फिर से आ गई थी चूल्हे की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने ये गोश्त के अंदर डाला ये हरा मसाला, थोड़ा पाव यानी क्वार्टर कप जितना ऑयल डाला और 2 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाल के अच्छे से इसको रोस्ट किया है। यही है, यहाँ तक जो प्रोसेस चलता है उसी से सालन का असली टेस्ट निकल आता है। इसको अच्छे से रोस्ट होने तक पकाना है। इसी के ऊपर थोड़े मैंने सूखे मसाले डाले, लाइक 1 टीस्पून जितना कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर। जब भी पकाने के लिए हम लोग खड़ते हैं तो साथ ही साथ बेसन फुल भी होता जाता है बर्तनों का, और जब उसको धोना है तो ये देखिए ये धो के सूखे हुए बर्तन को सैंतने का वक्त आता है। तो ऐसे ही चलता है, ये एक साइकिल है। तो ये देखिए मैं सैंतने लगी थी तो बच्ची अबीरा आ गई थी मेरी हेल्प के लिए, और उसने थोड़े थोड़े इस तरह से बर्तन उठा के दिए ताकि मैं इसको ऑर्गेनाइज कर सकूं। तो ये देखिए ये गोश्त अच्छे से अभी भून चुका है, ऊपर उसका तेल निकल आया है। तो मैंने इस पॉइंट पे ये जो मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी, करीब 1/2 kg जितने टमाटर मैंने पीस के रखे थे उसको डाला, और उसके ऊपर थोड़ा नारियल को भी पीस के डाला, और थोड़ा दही का करीब 1/2 कप जितना दही मैंने ऐड किया, और छील के काटे हुए आलू को भी डाला। और यहाँ पे कुछ देर मैंने छोड़ा था पकने के लिए, उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके इसका लिड बंद कर दिया। और यहाँ पे देखिए एक सीटी आने पर मैंने कुकर को उतार के इसका जो भी अंदर गैस था उसको रिलीज़ किया और ओपन किया। बस हमें गोश्त बस हाफ कुक्ड होना चाहिए, लाइक 50% वो कुक होना चाहिए, 50% अगर बाकी है तो आगे जाके दाल के साथ पक जाएगा। तो ये देखिए दाल सॉरी अंडे भी अच्छे से उबल चुके थे, तो मैंने सारे अंडों को इसके अंदर ऐड किया, और जो दाल हमारी जो स्टार ऑफ द डिश थी उसको भी मैंने ऐड किया। ये देखिए इसको पकने में बहुत ही कम वक्त लगता है, इसलिए गोश्त को हाफ कुक करके फिर से हम मिक्स करके फिर से इसको कुक करते हैं। तो अभी इस पॉइंट पे अभी हम क्या करेंगे, वाटर जितना चाहिए उसको एडजस्ट करेंगे, और थोड़ा सा लेमन मैंने यहाँ पे ऐड किया, खटा कम लग रही थी मुझे, और 1 टीस्पून जितना सॉल्ट को भी मैंने ऐड किया, और 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ को भी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स किया, और फिर से दिया मैंने ये कुकर का लिड। अभी इस बार मैं इसका लिड लगाऊंगी तो इमीडिएट मैं नहीं खोलूंगी, और इसके दम में ही इसको और थोड़ी देर बंद करके ही छोड़ूंगी ताकि ये अच्छे से दम हो जाए। तो ये देखिए ये है फाइनल लुक ऑफ माय डिश, और ये देखिए दाल भी बहुत नहीं गली सेपरेटली है और गोश्त भी बहुत नहीं फूटा है। तो ये देखिए परफेक्टली कुक्ड दाल विथ गोश्त। अगर आप लोग यहाँ होते तो मैं आपको भी ये टेस्ट कराती, और बच्चों ने और हस्बैंड ने तो बहुत ही मज़े से खाया। हस्बैंड ने तो सुबह रोटी में भी यही खाया था, रोटी के साथ तो और बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है ये टेस्ट में। टाइम की कमी की वजह से मैं इसके आगे की वीडियो नहीं बना पाई, तो आज यही तक फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।